ये पिंक पॉलिश फेस रिपेयरिंग ट्रीटमेंट के साथ हमने वो अप्लाई किया आप लोगों के सामने, और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। और पैचेस को रिमूव करने के लिए इसमें मैंने पॉलिश में भी हमारा ब्राउन सीरम ऐड किया है, आईज पे भी डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए ब्राउन सीरम ऐड किया है, और ये रिजल्ट आपके और ब्राइटनेस भी आपके सामने है और शाइन और ग्लो भी आपके सामने है स्किन पे। हेलो एवरीवन, इट्स मी उरुस अनुमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं जबरदस्त सा रिव्यू लेकर आई हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ, अब मैं इसका देने लगी हूँ डेमो, क्योंकि जो टिकटॉक पे इतना वायरल ये हुआ हुआ है ना, बहुत ही वायरल हुआ हुआ है। स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने सब जगह के लिंक डाल दिए हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको प्राइजेस मालूम करनी है, आप लोगों को कहाँ से बाय करना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डल गया है, जाइए क्लिक करें और कॉन्टेक्ट करें और फ़ौरन बाय करें अगर करना चाहें तो। क्योंकि अगर प्राइजेस की बात करी जाए तो प्राइजेस इसकी बहुत ज़्यादा हाई इन्होंने रखी हुई है। इतनी यानी इस एक स्किन पॉलिश प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी इन्होंने प्राइजेस रखी हुई है, इतने प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव बनाया हुआ है। आई डोंट नो क्यों, क्या पता इसका रिजल्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि अगर मैंने ये पहले जब मैंने मंगवा ली, उसके बाद जब मुझे मैंने सबके कमेंट्स देखे, बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया, यूट्यूब पर भी सर्च किया, इंस्टाग्राम पर भी सर्च किया, तो बहुत इसकी तारीफ सुनने को मिली। लेकिन कहीं जगह मुझे ये भी सुनने को मिला कि इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट तो और बाकी ब्लीचेस का और बाकी स्किन पॉलिश का भी आ जाता है। तो इतने इन्होंने इसी एक नॉर्मल से ब्लीच का या नॉर्मल से स्किन पॉलिश के प्राइसेस इन्होंने इतने हाई क्यों रखे हैं? क्योंकि और बाकी अगर हम मार्केट लोकल मार्केट्स में अगर जाएं तो वहाँ पर हमें एक से एक पॉलिश, एक से एक ब्लीच हम लोगों को मिल सकती है, तो इन्होंने इतने क्यों रखे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इन्होंने टिकटॉक पर स्नैक वीडियो पे जो भी ये डेमो कर दिखा रही है उसमें ये फ़िल्टर लगा रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है टिकटॉक पर। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को समझ होगी, इतनी बूझ होगी आप लोगों को कि आप लोग समझ सकते हैं कि वाकई में उन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। लेकिन बाज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट अच्छा बताया है कि इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छा है। तो भाई ये सारी बातें तो जब हम खुद यूज़ करेंगे जब ही हमें पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पहला ये कि जो आप लोगों को टिकटॉक की वीडियोज़ में आप लोगों को दिख रहा है डेमो में कि वो आइस पर भी लगा रहे हैं, तो ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है, क्योंकि वो है प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर हैं तो अगर आप लोग क्लाइंट्स पे लगाना चाहते हैं या आप किसी और के ज़रिए अपने फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको आइज़ नहीं खोलनी पड़ेंगी उसके अंदर। इतना बड़ा रिस्क ना लें क्योंकि इसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, जब भी तो वो फ़ौरन से इफ़ेक्ट दे रहा है आपके हैंड पर, अपने आपके फीट पर, आपके फेस पर, एकदम वाइट इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो आप सोचें उस पर कितना केमिकल होगा, जब भी तो वो इतना वाइट इफेक्ट आप लोगों को दे रहा है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि अगर उसका एक पार्टिकल भी आपकी आइज़ के अंदर चला गया आपकी आइज़ डैम। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी इसको स्किन पॉलिश को या जब भी कोई भी स्किन पॉलिश हो या कोई भी ब्लीच अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने फेस पे, तो उससे पहले आपको फेस वॉश अच्छी तरीके से करना है। आपके फेस फाउंडेशन, कोई भी बीबी क्रीम या कोई भी ऐसी कोई प्रोडक्ट आपके फेस पर, क्रीम वगैरह, वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह, फार्मूला क्रीम्स वगैरह, कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप लोग ये यूज़ करेंगे। और अगर आपकी जिसकी स्किन सेंसिटिव है वो सूदिंग लोशन पहले से यहाँ पर अप्लाई करने के बाद फिर ये प्रोडक्ट अपने फेस पर अप्लाई करें। ठीक हो गया, तो चलें इसको बनाते कैसे हैं अब ये देखते हैं और फ़ौरन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक क्लिप बिल्कुल मिस कर दिया है, जो मैंने पाउडर इसमें मिक्स किए हैं, गोल्ड पाउडर और पिंक पाउडर। तो ये देखें, ये मैंने क्लिप मिस कर दिया है। और यहाँ पर मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने यानी आधा चम्मच मैंने पिंक पाउडर लिया है और आधा चम्मच ही गोल्ड पाउडर लिया है। अब ये दो डेवलपर हैं तो इसमें से मैं पिंक वाला मैं ले लेती हूँ पॉलिश बनाने के लिए। तो मैंने आधा आधा चम्मच पाउडर लिया है, तो इसका डबल रेशो में हमने डेवलपर डालना है। तो आधा आधा चम्मच पाउडर लिया तो एक चम्मच पाउडर बन गया है, तो दो चम्मच हमें डेवलपर डालना है। ठीक हो गया, थोड़ा सा हम इसके अंदर एक से दो ड्रॉप हमने सूदिंग लोशन के डाले हैं, दो ड्रॉप डाल लें और एक से दो ड्रॉप ही हमने शाइनर डाला है। ठीक हो गया,
फिर इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमें स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, उसको अच्छी तरीके से हमें हल करना है बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर। फिर मिक्सिंग के बाद हमें इसमें थोड़ा सा हमें सीरम डालना है, जो ब्राउन पैचेस और फ्रैकल्स, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो यानी वीडियो में हमें बताया जा रहा है कि ये सीरम हमें किस किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, तो ये सीरम निकालने के लिए हम मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो मुझे झटक झटक कर ही मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि जो भी इसके अंदर ड्रॉपर डला हुआ था उससे नहीं निकल रहा था, ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए हमें ऐसे ही खोल कर निकालना पड़ा इसको। फिर हमें दोबारा से तकरीबन मैंने एक मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है। अब मैं इसको अप्लाई करने लगी हूँ। फेस को अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, क्लीन एंड क्लियर कर लिया है। तो भाई ये देखिए मिक्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ चीक से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़े फेशियल हेयर्स होते हैं और फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं यहाँ के, तो यहाँ टाइम लगता है थोड़ा सा ब्लीच को होना या पॉलिश को रिज़ल्ट लाने में, तो इसलिए मैंने पहले इधर चीक्स पे और गर्दन पर मैंने अप्लाई किया है। फिर मैंने नोज़ से अप्लाई करना शुरू किया है, ये देखिए फोरहेड पर भी लगा लिया मैंने। इसी तरह पूरे फेस पर मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छी तरीके से पेस्ट को। ज़्यादा ज़्यादा पेस्ट लगाना है, थोड़ा थोड़ा नहीं लगाइएगा, जिस तरह से मुझे वीडियो में दिखाई दे रहा था मैंने उसी तरीके से इसकी एप्लीकेशन करी है। और हैंड्स पर भी मैं पैचेस ही लगा रही हूँ, मैं पूरे हैंड पर नहीं लगा रही हूँ, ताकि पैचेस नुमाया हो रहे हैं, जिस तरह से और वीडियोज़ में देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, मैं उसी तरीके से पैचेस की तरह अपने हैंड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, नीज़ पे भी लगा रही हूँ मैं अपनी, क्योंकि मेरी नीज़ थोड़ी सी डार्क हैं, इसलिए देखते हैं रिज़ल्ट उस पे कितना अच्छा आता है। तो ये देखें 15 मिनट के लिए इसको लगाकर छोड़ते हैं, अब 15 मिनट के बाद आते हैं। तो यहाँ 15 मिनट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। हाथ पे मेरे इतनी इचिंग हो रही थी 15 मिनट में, जिसमें से अभी 2-3 मिनट बाकी थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि हाथों पे मेरे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैं वैक्स वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हेयर्स थे, लेकिन फिर भी हो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन फेस पर कुछ नहीं हो रहा था। तो ये देखें फेस पर भी मैंने रिमूव कर लिया है, और फेस काफ़ी अच्छा, काफ़ी ग्लो आ रहा है फेस के ऊपर, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आया है। ये देखें स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन अगर ये कहें कि स्पॉट्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। जो भी निशानात वगैरह थे एक्नी के, या ये देखें स्पॉट आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे, जो भी पिगमेंटेशन हुई हुई है वो एज़ इट इज़ हैं, उसमें इतना नुमाया फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ कलर में और वाइट इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया। ये देखें पैचेस में, लाइट को ऑफ कर भी दिखा रही हूँ, ये देखें मैंने लाइट ऑन कर दिए, पैचेस अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि हम ये देखें क्योंकि मेरे हैंड्स पे हेयर्स आए हुए थे, मैंने वैक्स नहीं करी हुई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहे थे पैचेस, लेकिन फेस पर वही स्पॉट्स वगैरह अभी भी हैं। पैचेस इसलिए मालूम नहीं हो रहे इतने, क्योंकि मैंने जल्दी भी हटा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैंड्स पे इचिंग हो रही थी, क्योंकि मैं वैक्स करती हूँ और हल्का फुल्का भी रुआ वैसे आया हुआ है, यानी हेयर्स मेरे हैंड पे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत इचिंग हो रही थी मुझे, लेकिन फेस पे कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सूदिंग लोशन मैंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन फेस पे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हैंड्स पे इचिंग हो रही थी, आई डोंट नो क्यों, तो मैंने इसलिए छुटा दिया था। लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं आप लोग, पैचेस दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देखें। तो भाई यहाँ पर अगर मैं इसकी क्वालिटी की, इसकी रिज़ल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये नॉर्मली जिस तरह से हम और ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली उसी तरह से ये ब्लीच के काम कर रही है। ये देखें कोई मेरी जो स्पॉट्स वगैरह अगर होते हैं, एक्नी के एक दो निशान आते हैं, जिस तरह से आपको टिकटॉक पर दिख रहा है कि वो फ़ौरन स्किन जो है क्लियर हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, ये खाली आपके जो फेशियल हेयर्स वगैरह हैं, ये देखें उनको गोल्डन कर रहा है, जिस तरह से जो ब्लीच का काम होता है। तो जो लोग ब्लीच यूज़ करते हैं वो इसको ले सकते हैं, जो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, ना लीजिए, क्योंकि ये खाली ब्लीच है। कोई तरह से वो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि स्किन रिपेयरिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आपकी स्किन को कोई रिपेयर नहीं करेगा, ये खाली आपके फेशियल हेयर्स को, आपकी स्किन को एक हल्का सा ब्राइटनेस देगा, और आपकी स्किन को यानी हल्का सा वाइट इफेक्ट, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल। अगर मैं ब्लीच की बात करूं कि ये प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव है, तो हम ये ना लें, ठीक हो गया,
इससे अच्छा रिजल्ट या इस जैसा रिजल्ट हमें वेला ब्लीच जो होती है उससे मिल जाता है, क्योंकि वेला ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको फौरन, जिस तरह से अभी आप लोगों को मेरे फेस पे थोड़ा सा व्हाइट इफेक्ट दिख रहा है या ये पैचेस दिख रहे हैं, बिल्कुल वही काम करता है और वो रीजनेबल अफोर्डेबल प्रोडक्ट है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोग ब्लीच यूज़ करते हैं तो इसको लीजिए, अगर ब्लीच यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप लोग ये सोच कर हैं कि ये स्किन रिपेयरिंग प्रोडक्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली ब्लीच का काम कर रहा है। जो लोग, यानी कहूंगी कि जैसे अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो वेला का ब्लीच लीजिए, वेला का ब्लीच बहुत ज़बरदस्त है, परफेक्ट है और इसके मुकाबले में, तो ये बस सही है बस, यानी अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो ना लीजिए, ठीक हो गया। तो ये था इसका ऑनेस्ट रिव्यू, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप लोगों को ये मेरा डेमो या मेरा रिजल्ट कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।